तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज दिन है सैटरडे का, अभी मैं सो के उठा हूँ, सुबह के बज रहे हैं 9:30। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वाला व्लॉग मेरा कांगिया, मतलब जो सैटरडे की सुबह को आना था जुम्मे वाला व्लॉग, तो भाई जुम्मे वाले दिन जैसे कि मैंने जुम्मे रात वाले व्लॉग के अंदर बोला था कि भाई मैं कल सुबह यानी कि फ्राइडे की सुबह में कहीं काम से मुझे ज़रूरी जाना है, तो मतलब फ्राइडे की सुबह सुबह मैं यहाँ से निकल गया था वीडियो अपलोड करने के बाद, और मुझे आने में वहाँ से काफ़ी लेट हो गया। मैं आया शाम को मगरिब के आसपास आया मैं, तो भाई पूरा दिन हमारा मतलब बाहर ही निकल गया। तो मैंने सोचा भाई आज व्लॉग हम क्या दें आप लोगों को, तो उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई, क्यों ना अच्छा कल हमारे 16 सितंबर को 1 साल कम्प्लीट हो गया हमारा यूट्यूब पर, तो मैंने ये सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, यादगार के तौर पर एक वीडियो बनाई जाए कि भाई जिसके अंदर हमने अपनी पुरानी वीडियो के हम सारे सीन दिखाएं, तो उस वीडियो को मैं लेके बैठा बनाने के लिए। तो 8:30 बजे की वीडियो वो स्टार्ट करी हुई मेरी, मैं बनाते बनाते गए मुझे सुबह के आप यकीन मानना 4 बज गए उस वीडियो को सेट करने में। बहुत मेहनत लगी, पुराने सीन निकाले, पुरानी वीडियो जो हमारी पड़ी हुई हैं उनके सीन निकाले कई सारे, तो उसे सब सेटिंग करने में एडिटिंग करने में मुझे सुबह के 4 बज गए। अच्छा उस टाइम तक मुझे अच्छा बीच में सिर्फ मैं तकरीबन 10:30 बजे करीब खाना खाने के लिए उठा था आधे घंटे के लिए, और खाना खाने के बाद मैं दोबारा फिर बैठ गया एडिटिंग करने। तो जब सुबह के 4 बज गए मुझे, और आपको पता है एक रात मतलब एक दिन पहले का मैं जागा हुआ था उसी दिन का, मतलब फ्राइडे की सुबह का मैं सवेरे का जागा हुआ था, तो नींद बहुत तेज़ थी आँखों के अंदर। मैं सोच रहा था कि सो जाऊँ, मगर मैंने सोचा इसे कम्प्लीट करके सोऊंगा ताकि मैं आज सुबह सुबह मतलब आज सैटरडे की सुबह सुबह इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो इस इरादे से मैंने वो वीडियो तैयार करी, तैयार करते करते मुझे जब 4 बज गए मेरी आंखें बिल्कुल मतलब नींद मांग रही थी बहुत ज़्यादा कि मतलब मैं सो जाऊं जाके, मैं आके लेट गया और मैंने मोबाइल अपने पास रख लिया। तो फिर मेरे थोड़ा सा जहन में आया, असल में दिमाग खुराफाती सा है ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना म्यूज़िक डालते हैं किसी किसी सीन के अंदर, तो थोड़ा सा म्यूज़िक मैंने डालना शुरू करा और मैं आँखें ऐसे मेरी बंद हो जा रही और मैं ऐसे खोल खोल के उसे कर रहा। मैंने कहा चलिए थोड़ी सी रह गई, थोड़ी मतलब 5-10 मिनट और जाग लूँ, 15 मिनट और जाग लूँ, ये सोच सोच के मैं आंखें मेरी बंद हो जा रही। मगर गाइस उसके अंदर ऐसा पंगा हुआ उस वीडियो के अंदर, पता नहीं क्या हुआ, मैंने नींद में क्या कर दिया, मेरी इतनी मेहनत उस वीडियो की, यकीन मानना आप लोग के 8:30 बजे से बैठा हुआ मुझे सुबह के 4 बज गए उस वीडियो को सेट करने में। बहुत मेहनत लगी मुझे क्योंकि मैंने पुराने सीन निकाले मतलब उन्हें सेट करा, बहुत मेहनत लगी उसमें, और वो सारी वीडियो मेरी तहस नहस हो गई। अभी हुआ क्या, जो मैंने पुरानी वीडियोस निकाली थी जो मुझे आपको दिखानी थी उसमें से कई सीन दिखाने थे आपको, वो पुरानी वीडियो पता नहीं मुझसे कैसे डिलीट हो गई और वो सारी आगे पीछे हो गई, सारी सेटिंग उसकी जो भी हमने थंबनेल लगाया था सब कुछ करा था सब, मतलब कुल मिला के टोटल वो वीडियो ख़राब हो चुकी है अभी। तो आज का व्लॉग जो है बस यही है छोटा सा, ये बताने के लिए आपको कि भाई आज व्लॉग हमारा नहीं आएगा, मगर इंशाल्लाह आज शाम को कोशिश मेरी पूरी है, मुझे ज़रा सा कुछ काम है बाहर का वो मैं निपटाई हूँ अपना जाके, उसके बाद आने के बाद फिर लेके बैठूँगा उस वीडियो को और फिर से मतलब जितनी भी मैंने पुरानी वीडियो अपलोड करी थी वो सीन क्लिप निकाले थे वो मुझे फिर से निकालने पड़ेंगे, और ठीक है अभी करेंगे कोशिश उसको सही करने की। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी है, वो आधे घंटे के तकरीबन वीडियो तैयार है, मगर बस उसकी सेटिंग करनी है। तो आप लोग फटाफट जिनका रिचार्ज नहीं है या जिनका वाईफाई भागा हुआ है वो फटाफट जाके अपना वाईफाई या रिचार्ज करा लें सब कुछ। इंशाल्लाह कोशिश ये कि शाम तक 7-8 बजे तक मेरी वीडियो आ जानी चाहिए, कोशिश पूरी करूँगा गाइस, अगर नहीं आ पाई तो 10 बजे के आसपास आएगी ज़रूर आज ये वाली वीडियो, क्योंकि मेरी है ना मतलब बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर यार, मैं खुद नहीं चाह रहा कि मतलब ये वीडियो मैं आपको ना दिखाऊँ, तो भाई मतलब पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, रात वाला व्लॉग हमारा ज़रूर देखिएगा। अभी तो मैं खैर सो के उठाऊँ, 9:30 बज रहे हैं, फातिमा और बच्चे भी सो मतलब फातिमा और हानिया भी सो रही हैं उस कमरे में। तो गाइज़ होता है ऐसा कि भाई हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं और फिर उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती ना, तो बड़ा मतलब दिल सा भी दुखता है, तकलीफ़ भी पहुंचती है। जब 4 बजे वो गड़बड़ी हुई ना उस टाइम मुझसे सुबह 4 बजे, तो आप यकीन मानना मेरी आँखें बंद हो जा रही थी, नींद आ रही थी मुझे बहुत तेज़, और एकदम से मेरी आँखें एकदम से खुल गई क्या भाई यार ये क्या हुआ, और उसके बाद मुझे 2 घंटे तक नींद नहीं आई। मैं तकरीबन 6 बजे सोया फिर सुबह, और मोबाइल मैंने साइड में रख दिया, मैंने कहा यार नहीं होने वाली अभी ये, क्योंकि उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई थी ये और बहुत टाइम भी लगा था मुझे इसे सेट करने में, मगर ये है कि भाई अभी दोबारा करें कोशिश। और हाँ अगर आपको
इस वीडियो के बाद ऐसा लगेगा हाँ आप लोगों को भी वो वीडियो देखनी है जिस पे मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर जल्दी जल्दी बताइएगा। जैसे जैसे मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा ना, वैसे वैसे मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं जल्दी जल्दी उसे फिनिश करूंगा और आज शाम तक उसे इंशाल्लाह ज़रूर डाल दूंगा। तो ठीक है, अभी सुबह हो चुकी है, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, फातिमा को उठाते हैं चल के, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे शाम को, मिलेंगे कुछ नई सी वीडियो लेके कुछ, और उसके बाद जरा कुछ काम है वहाँ जाना है, वहाँ से आने के बाद फिर बैठेंगे उस वीडियो को लेके, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह शाम को या फिर आज रात को 10 बजे तक, 10 बजे से पहले पूरी कोशिश करूँगा मैं वीडियो अपलोड करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।